पूरी कहाँ पर है बता? बिट्टू इधर आ, पूरी कहाँ आके बताओ इधर। बेटा यू मैं लव यू लव कैसा लग रहा है? आई लव 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 दिस। अ वेरी गुड मॉर्निंग फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। सो फाइनली आज हम खाने वाले हैं उड़िया फूड फॉर 24 आवर्स। आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की इस चैलेंज को लेके, इतनी रिक्वेस्ट की दैट हैड टू डू दिस फॉर ऑल ऑफ यू लवली फूड फैम आउट देयर। बिफोर स्टार्टिंग द चैलेंज आई वांट टू शेयर सम फैक्ट अबाउट दिस कुजीन, अबाउट द कल्चर, अबाउट उड़ीसा। बिकॉज कोई भी कुजीन चैलेंज में जब एक्सेप्ट करती हूँ आई डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया के सारे स्टेट्स के बारे में मुझे नहीं पता एक्सेप्ट फ्यू। डेफिनेटली वी ऑल नो अबाउट उड़ीसा एज अ स्पिरिचुअल प्लेस, एज अ कल्चरल प्लेस, राइट? सी आई हैव विजिटेड टू जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, सो आई नो दैट वहाँ का छप्पन भोग इज वेरी फेमस। सो मेरे को हमेशा लगता था छप्पन भोग मीन्स 56 भोग चढ़ते होंगे भगवान जी को, बट स्टडी करने के बाद पता चला दैट देयर आर टोटल ऑफ 256 डिशेस इन दैट छप्पन भोग व्हिच इज बीइंग कुक्ड एवरी डे एंड सर्व टू लॉर्ड जगन्नाथ। लाइक वाओ, आई वाज एस्टोनिश्ड, लाइक 256 डिशेस। सो आज के चैलेंज में डेफिनेटली मेरे लिए पूरा उड़ीसा का तो खाना कवर करना हो नहीं पाएगा, बट आई हैव जॉट डाउन फ्यू वेरी फेमस उड़िया फूड विच आई एम गोना ट्राई टूडे, एंड आई ट्राई टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द वेज एंड नॉन वेजिटेरियन थिंग। सी इट्स वेरी अनफेयर टू यू नो कंस्ट्रेंट वन कुजीन इन वन वीडियो एंड लिमिटेड टू 24 आवर्स। सो अगेन जब मैं उड़ीसा आऊँगी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करूंगी। नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट माई ट्रैवल टूर, अभी आप फिलहाल ये 24 आवर फूड चैलेंज इंजॉय कर लीजिए एंड आई होप कि आज मैं इस कुजीन के साथ भी जस्टिस कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है ना आपको क्या करना है, लाइक टारगेट फुलफिल करो गाइस। 14,000 लाइक है, यस, क्योंकि लास्ट कुछ वीडियोस में आप लोगों ने लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं किया, तो पनिशमेंट के तौर पे +1। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर डेली यम्मीशियस अपडेट्स। For the breakfast, I'm going to make pakhla bhat. Now, hum log khate hain panta bhat. Like, I love, love, love panta bhat. But today, I'm going to make dahi pakhla. So, chaliye pahle banate hain. Pakhla banane ke liye, yahan par I'm taking some rice. Aap dekho, ye mera panta bhat nahi liya hua hai. Ye, but, raat ka chawal hai. Ab is chawal mein hum dalenge thoda paani. अब इधर मैंने 3 चम्मच के हिसाब से दही ले लिया था, उसमें भी मैंने थोड़ा पानी मिला के रखा था, वो इसमें डाल देंगे। अब इसको खूब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। नाउ अभी क्या, इसमें मैंने पैकेट वाला दही डाला है और पैकेट वाली दही उतनी खट्टी नहीं आती है। तो इसको व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना स्क्विज सम लेमन, लाइक हाफ अ लेमन स्क्विज। इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड ग्रीन चिलीज। नाउ इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पाखला बात में थोड़ा छौंक देंगे, तो छौंक के लिए यहाँ पर हमने सरसों तेल थोड़ा गरम कर लिया है। इसमें अब हम डाल रहे हैं सूखी लाल मिर्च, सरसों के दाने, कड़ी पत्ता। वाओ, इस छौंक की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब उस छौंक को हम इस पाखला बात में डाल देंगे। थोड़ा सा मेरा ऊपर ऊपर यहाँ पर मैंने ये पीतल का एक कटोरी ले लिया है जस्ट टू गिव दैट ऑथेंटिक फील। ये मेरा पाखला राइस इज रेडी। वोइला माय वेरी डिलीशियस ऑथेंटिक ट्रेडिशनल उड़िया पाखला थाली इज रेडी। यहाँ पर हमारे पास है पाखला भात, राइस फ्लावर का पापड़ भजा हुआ सरसों का तेल में, बोड़ी भाजा, नॉट दिस इज दाल से बना हुआ पकौड़ी होता है, देन वी हैव गॉट आलू भाजा, वी हैव गॉट द नॉर्मल पापड़, वी हैव गॉट माछ भाजा, वी हैव गॉट ऑमलेट विच इज डीम भाजा and प्याज and मिर्ची to accompany this overall platter. This looks very soulful, so now let's eat. So basically इसको water rice भी बोला जाता है। Wow, कितना tasty है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। पांता भात जो हमने normal खाते उससे भी ज़्यादा अच्छा, because अदरक का बहुत अच्छा taste है, कड़ी पत्ता का taste है, मिर्ची है, धनिया पत्ता है। Love this. This is fabulous. और एक चीज़ बोलूँ, पांता भात ना गर्मियों में बहुत खाया जाता है, उससे पेट बहुत ठंडा रहता है। अभी तो विंटर्स में मैं खा रही हूँ, पर अभी इतना विंटर गिरा नहीं है कलकत्ता में, बट ठीक है।
आई थिंक मेरे को इसको पूरा निकाल देना पड़ेगा, तभी मैं आराम से खा पाऊंगी इसको। जो ओवरनाइट जो सोक्ड राइस रहता है ना, जो बासी चावल, उसका एक अलग खटास होता है, बट इसमें दही और नींबू डाला हुआ है तो इसकी वजह से एक अलग फ्लेवर आ रहा है। वो पान तपात मेरा नॉर्मली खाया हुआ है, हम घर में खाते हैं, बट ये वाला कभी नहीं खाया हुआ है। दारुण दारुण उसके दारुण खेते यार, मेरे पीछे चाइना एक खबर पे गए लाइफ का को खबर चाइना में। सुना है एवरी ईयर ऑन 20th मार्च उड़ीसा में पाखला दिवस बनाया जाता है, वेर इन ये प्लेटर बना के खाते हैं लोग, एंड दे सेलिब्रेट एंड वेलकम समर सीजन। जी इतना अच्छा है क्या? बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक ही डजंट ईट ऑल दिस खाना बिट्टू भैया, बहुत अच्छा। तुम मेरे को भी नहीं लगा था इतना अच्छा टर्न आउट होगा, थोड़ा सा बच्चा एकदम थोड़ा सा, तुम खा के टेस्ट करना, यू लव इट लव इट। इस पाखला भात का पानी को अच्छे से इंजॉय करती हूँ, आपसे मैं मिलती हूँ लंच में। अभी हम जा रहे हैं फॉर आवर लंच, तो अभी जब हम उड़ीसा फूड का चैलेंज कर ही रहे हैं तो मेरे को एक यू नो डाउन द लाइन का एक मेमोरी याद आ गया बचपन का। सो ऑल ऑफ यू माइट नो अबाउट द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। पुरी कहाँ पर है बता? कहाँ है पुरी? लैंड पे। लैंड पे नहीं, सी दिस इज हिज आंसर। इसको देखो आप लोग, देखो बोलते पुरी लैंड पे, कौन सा लैंड? बिट्टू इधर आ, पुरी कहाँ है आके बताओ, इधर पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। और कहाँ है? जैसे मैंने आपको सुबह बताया ना कि मैं एक बार गई थी पूरी, हम जब गए थे ना तो हमने वो प्रसादम लिया था, तो वहाँ पर एक चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, लाइक विच आई ऑल्सो बिलीव इन डूइंग, हमने जो प्रसाद लिया था ना, एंड नाउ उनके खाने में ना बहुत नारियल रहता है, मेरा पूरा इंटायर फैमिली जो था ना वो उतना नारियल खाता नहीं है, तो हमने जितना प्रसाद लिया था ना वो बच गया था थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं कि बच गया तो यू नीड टू फाइंड कि कोई खाएगा क्या, कोई गरीब को देख के खा लो, कुछ नहीं, जब हमारे प्रसाद बच गए ना तो वहाँ आजू बाजू जितने भी लोग आए थे ना, लोग प्रसाद खा रहे थे, वो आके खुद से उन्होंने हम लोगों से प्रसाद मांग के खा लिया हमारा झूठा, लाइक दे वर ऑल वेल ऑफ पीपल, हम लोग बोले सर ये तो झूठा है, बट ही केम एंड ही टुक द प्रसाद एंड दे ऑल एट। और फिर उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर कोई मतलब झूठा प्रसाद नहीं रहता है, मतलब जिसका भी जहाँ पर भी जहाँ प्रसाद दिखता है वो उठा के खा लेता है। तो अभी फॉर द लंच आई हैव कम टू दिस प्लेस कॉल्ड सांता फैंटासिया विच इज़ लोकेटेड इन सॉल्ट लेक सेक्टर 1। सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो इतना हैवी हो गया था कि मैंने सोचा यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। सो मैं यहाँ पर आई हूँ खाने के लिए उड़ीसा बासापुरा चिकन एंड चाकुली पीठा, बिकॉज ये मैंने पहले कभी नहीं खाया, तो चलिए चलते और खाते। यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर किया फॉर द लंच इज उड़ीसा बासापुरा चिकन एंड वी हैव गॉट दिस चाकुली पीठा। बेसिकली दिस इज पीठा राइस बेस्ड रोटी, दस अ वेरी नाइस एरोमा ऑफ यू नो भुंजा हुआ बांस का जैसे अरोमा, द फ्लेवर्स आर वेरी एरोमेटिक। सो ये काफ़ी प्यारा सा एक थिन राइस का रोटी है, दिस इज़ वेरी वेलवेटी यू नो, द टेक्सचर इज़ वेरी वेलवेटी एंड इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन दिख रहा है मेरे को। यस वाओ दिस इज़ वेरी नाइस यार दिस पिज़्ज़ा। जला हुआ टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, ऐसा चिकन मैंने पहले नहीं खाया। कैसा लग रहा है पता है? कोयला जला कर जैसे टेस्ट आता ना चिकन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा वो फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा है। दिस इज गुड, लाइक इट्स अ डिफरेंट फ्लेवर टू माई टेस्ट बर्ड, सो इट्स लाइक गुड, वेरी लाइट। हाउ एवर आई एम रियली लाइकिंग द चाकुली पीठा, इसका टेक्सचर इज सो वेलवेटी, सो गुड एंड सो लाइट, नो ऑयल नथिंग। आई वंडर हाउ डू दे कुक दिस, आई नीड टू ट्राई दिस एट होम। रियली थरली इंजॉयड दिस चाकुली पीठा, ऑनेस्टली मेरे को ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, मोर देन द सब्जी, लाइक ये बहुत 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 अच्छा है, ये भी अच्छा ही है शायद, इसको ऐसे ही खाते होंगे, बट मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ बोल के मेरे को थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। द चिकन इज़ रियली वेल कुक, बहुत अच्छे से कुक हुआ है।
वी आर डन विद आवर लंच नाउ. वहाँ पर आई वॉन्टेड टू हैव डिज़र्ट, तो मेरे को डिज़र्ट नहीं मिला वहाँ पर. उड़ीसा का बहुत फेमस डिज़र्ट है छेना पोड़ा एंड छेना जिलेबी. तो आई हैव सेंड बिट्टू भैया देयर टू अ स्वीट शॉप. तो वो आता है तो पता चलेगा कि है कि नहीं, नहीं तो फिर खोजना पड़ेगा. छेना जलेबी, छेना जलेबी है, वो छेना पोड़ा नहीं है. Okay, so what is this? Chhena jalebi looks something like this. Basically, jalebi shape mein hai, but it's not besan, it's chhena. Wow, it's so good. Mmm. Oh, bhai, dekho bhai kaise dekh raha hai. Bhai ko bhook lagi hai. This is fab. Delicious. Now we have come to another sweet shop जिसका नाम है मांचाराम. वहाँ जाके देखते हैं छेना पोड़ा मिलता है कि नहीं. कहाँ मिलेगा छेना पोड़ा? नहीं है यहाँ पर. हम लोग चैलेंज से पहले पुचका खाए थे, अब यहाँ पर बिट्टू भैया जा रहा है टू आस्क छेना पोड़ा. नहीं है. नेक्स्ट शॉप बिट्टू तेरा आज वेट कम है सारा. व्हाई आर यू लाफिंग? हां, व्हाई आर यू लाफिंग लाइक अ जैकास? स्माइल. क्या हुआ? बोला गेट आउट. नहीं मिला? नहीं. शिट मैन, व्हाट्स हैपनिंग? सो वी हैव कम टू स्पेंसर टू बाय छेना पोड़ा. यहां मिल रहा है ना? हां, उस दिन में एक ही दिखा था, पर इसका एक्सपायरी डेट वगैरह देख लेना है. फाइनली मिल गया, इसको गर्म करके खाना पड़ेगा. इसे चेक द एक्सपायरी. पता नहीं आज का दिन, आज का चैलेंज इज गोइंग वेरी टफ. एक तो ये कलकत्ता में ना, ये जो पर्टिकुलर ये सब इतना ऑथेंटिकेटेड कुजींस होता है ना, ये मिलता नहीं है. और जो जगह खुलती भी नहीं है, जैसे आज हम लंच के लिए एक जगह गए थे जो बंद हो गया बोल के, हम लोग उस सांता फांटासिया में गए, डालमा बोल के जगह है. इतना अच्छा उसका मेन्यू, उसमें सब कुछ है. यहाँ के लोकल्स लोग सपोर्ट ही नहीं करते ये सब खाना को, ये सब बिजनेस को. तभी बोल के तो वो रेस्टोरेंट बंद हुआ. अब बंद हो गया, खुला भी तो क्या खुला? खुला वो एक सिक्स बालीगंज प्लेस जो है बंगाली खाना. यार ये सब जगहों पे भाई थोड़ा सा सपोर्ट करता तो शायद वो दुकान खुला रहता. बंगाली खाने जैसा ही तो टेस्ट है. तो मेरे को लगता है वो लंच जो है वो मैंने डिनर में ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है. मैं वो डिनर में घर पर बनाऊँगी सारे आइटम्स. और अभी मैं खोज रही हूँ खाने के लिए घुगनी दही वड़ा फॉर द इवनिंग स्नैक्स. मेरे को वो छेना पोड़ा तो मिल गया स्पेंसर में. अभी मेरे को घुगनी दही वड़ा आलूदम वो मेरे को क्यूरेट करना है सो दैट उसको मैं बना के घर में खा सकूँ. तो अभी हम आ गए घर और मैंने दही वड़ा आलूदम घुगनी जो एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है उड़ीसा का, वो उसके लिए मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स यहाँ पर इकट्ठा कर लिए हैं. सो यहाँ पर मैंने ले लिया वड़ा. उसके ऊपर हम डालेंगे घुगनी. इसके ऊपर हम डालेंगे दही. इसके बाद हम ऊपर डालेंगे आलू दम. डालेंगे प्याज, हरी मिर्ची, लास्ट में इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला. एंड वोइला, मेरा दही वड़ा घुगनी आलूदम चाट इन उड़िया स्टाइल इज रेडी. आई थिंक आई हैव डन लिटिल जस्टिस टू दिस डिश. तो चलिए इसको खा के देखते हैं. देखते तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है. वाओ, सो मेनी फ्लेवर्स इन वन बाइट. लेकिन वन डिश द वड़ा हैज़ अ वेरी नाइस, यू नो, उड़द का दाल का दस बीड्स व्हेनेवर यू बाइटिंग द बड़ा, वो वैसा टेक्सचर है. देन द आलू दम का जो फ्लेवर्स है दैट एडिंग अ लॉट ऑफ पंच टू द टेस्ट. घुगनी का एक अलग अपना फ्लेवर्स है. एंड ऑन टॉप जो दही है उन सारे फ्लेवर्स को इतने अच्छे से बैलेंस अप कर रहा है, टेस्ट को बहुत इन्हांस कर दिया है. वड़ा इज द मेन बेस, उसका फ्लेवर्स आर लिटिल सटल एज कम्पेयर टू द अदर टू टॉप डिशेज एडेड टू इट. आलू दम एंड घुगनी इज एडिंग अ लॉट ऑफ फ्लेवर टू इट. But this is quite a filling street food. मैंने ये भी सुना है कि कटक में this is very, very famous, very famous, very popular.
people literally start off their day like by having breakfast with this dish. So finally, इतना struggle करने के बाद I got छेना पोड़ा और एक ही stock बचा था in Spencer. Actually कुछ दिनों पहले जब मैं Spencer गई थी कुछ सामान लेने के लिए तब मैंने ये देखा था तो मेरे को ये अचानक से याद आया क्योंकि इसका ये picture मेरा देखा हुआ था. तो आई रिमेंबर कि एक ही मैंने वो रेफ्रिजरेटर वहाँ पर एक ही देखा था. आई वाज वेरी स्केप्टिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा बट थैंक गॉड ये मिल गया. सो ये कोई ब्रांड है मिल्की मू का एंड दिस इज़ फॉर 150 रुपीज़ एंड इसको आप अगर चाहो तो थोड़ा सा ओवन में वार्म करके भी खा सकते हो या नॉर्मल आप फ्रिज से निकाल के खा सकते हो. इसमें लिखा हुआ है कि छेना पोड़ा इज़ द क्विंटेसेंशियल डेजर्ट ऑफ उड़ीसा इज़ मेड फ्रॉम सॉफ्ट कॉटेज चीज़. छेना से बनता है और इट इज़ बेसिकली आवर इंडियन चीज़ केक. Let's see इसका packaging कैसा है. Oh, they have a lot of packets. So काटना नहीं पड़ेगा. कितना है इसमें? तीन. Okay, सिर्फ तीन packet है. So 50 rupees per packet. Okay. The aroma is very milky, very sweet. Looks good. After so much of struggle, we got the chhena poda. It's good. Basically, chhena ka jo taste tha, wahi hai, bas meetha chhena hai. Aur iska jo upar ka layer jo bake kiya hua hai na, iska bahut acha sa ek flavor aa raha hai. Halka sa jala hua flavor, waisa. Bahut acha lag raha hai. I think usko thoda sa warm karke agar khayenge oven mein, to bahut zyada tasty lagega. Thank God, I didn't give up on this item. Maine soch hi diya tha, kahin par bhi mila. Actually, hum North Calcutta mein rehte hain. नॉर्थ कलकत्ता में इतना सारा कुछ मिलता नहीं है. साउथ कलकत्ता में होती तो डेफिनेटली मिल जाता कहीं ना कहीं स्वीट शॉप में. सो अभी कर लेती हूँ मैं चेंज, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ बिकॉज अब मेहनत की बारी है. अब मेरे को जो है ऑथेंटिक प्रॉपर उड़िया थाली घर पे ही कुक करना पड़ेगा फॉर द डिनर. फिर बिट्टू भैया को मैं दूंगी लिस्ट बाजार से थोड़े बहुत सामान लाने के लिए एंड देन आई कुक सम डिलीशियस उड़िया डिनर थाली एंड फिर हम खाएंगे. चलिए. So I got fresh, now feeling little better. So abhi the twist is I thought of cooking the food all by myself but mama chef told ki she wants to cook all this food because jab main recipes dekh rahi thi she got really like you know excited and got interested. To unhone kaha ki I'll cook all the dish today and then you eat. My mommy chef, my mommy cute mommy chef, kitne din baad aap mere channel mein aayi ho. My mommy chef is cooking some really authentic Odia food for me. So ye दालमा का प्रिपरेशन चल रहा है. दालमा के लिए वी हैव टेकन पम्पकिन, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटल, आलू, पपीता एंड यहाँ पर बोड़ी, बोड़ी चूरा हम लोग बनाएंगे. और एक आइटम कौन सा बन गया है? ओ वाओ, द दही बैंगन, बैंगना, लाइक दिस इज दही बैंगना. दिस लुक्स टेम्प्टिंग. मॉमी आई लव यू सो मच, यू माय बेटा, यू माय लव, यू लव. My mom is basically a typical Bengali lady who really don't prefer a much of innovation in her authenticated Bengali dishes. However, seeing me and Papa Chef cooking so many dishes, hamesha hum nayi dishes try karte hain, nayi cuisines try karte hain, ye dekh ke Mommy Chef was so motivated that she said ki this time, because see, Odia food is somewhere related to Bengali cuisine. So my mom said ki ye khana main khud banaungi एंड उन्हीं की स्टाइल में बनाऊंगी. सो लिटरली शी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, लाइक शी सैट विद मी, वॉच ऑल द वीडियो स्टेप बाय स्टेप, रेसिपी उन्होंने देखा एंड शी हैज़ मेड इट इन अ प्रॉपर वे. सो अगर आप चाहते हैं कि ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज ये सारी रेसिपी मैं अपने फेसबुक पेज पर एंड आई जी टी वी पर अपलोड करूँगी. सो अगर आपको देखनी है तो यू कैन स्टे ट्यून एंड फॉलो मी देयर फॉर दिस रेसिपीज. My Odia dinner is ready and this looks so 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 colorful and soulful thanks to Mommy Chef. So here we have got dalma. Wow, kya mast khushbu aa rahi hai. We have got this bodi chura, we have got this dahi bangana and we have got this macha beshara. Guys, please let me know in the comment section ye kaisa lag raha hai. I love 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 this food. सबसे पहले मैं दही बैंगना ट्राई करूंगी. ये देख के मेरे को बेसिकली लग रहा है जिस तरह से बना है दही बैंगन का रायता, लाइक हमारे यहाँ पर लौकी का रायता ऐसा बनता है. सो मेरे को लग रहा है ये रायता ही काइंड ऑफ डिश है. एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा, दिस टेस्टिंग जस्ट लाइक रायता.
बैंगन इज सो सॉफ्ट, मुँह में जाते पिघल जा रहा है, वेलवेटी सॉफ्ट, कड़ी पत्ता का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और जो दही है ना दैट इज वेरी स्पाइसी एंड स्वीट काइंड ऑफ फ्लेवर, इट्स वेरी गुड, क्योंकि बैंगन को फ्राई करके फिर इसके अंदर डाला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही खा जाऊँ। आई डोंट नो ये कैसे खाते हैं, लाइक राइस के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं, मैं तो उसको ऐसे ही खा जा रही हूँ। नाउ विल बी ट्राइंग दिस बोड़ी चूरा। वाओ, लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, स्पाइसी है, द क्रंच ऑफ अनियन इट्स टू गुड। माँ क्या खाना बनाई हो यार, दिल जीत लिया मेरा। माय मॉम शेफ, पापा शेफ, एवरीवन इज सो गुड एंड सो ब्लेस्ड, सो लकी, इतना अच्छा खाना बनाया, कोई उड़िया आएगा आके खाएगा ना वो आपका हाथ चाट लेगा। जैसे कि मैं आपको सुबह बता रही थी अबाउट द छप्पन भोग, दालमा इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दैट छप्पन भोग, ये लॉर्ड जगन्नाथ को चढ़ता और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दालमा इज़ वेरी 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 फेमस ऑफ उड़ीसा कुजीन। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि इसके अंदर इतनी सारी सब्जियां हैं, यू आर गेटिंग फाइबर, यू आर गेटिंग कार्ब्स, यू आर गेटिंग प्रोटीन, एवरीथिंग वन पैक्ड मील। सो दाल और सब्जी का कॉम्बिनेशन इज गुड। हाँ, नाउ लेट्स ट्राई द दालमा एंड दिस बोड़ी चूड़ा। दालमा इन इटसेल्फ उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर्स हैं, एंड ऑन टॉप दिस बोड़ी चूड़ा इज एडिंग टू मच फ्लेवर ऑफ गार्लिक एंड स्पाइस इनटू दिस। वाओ, दिस इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन वन कैन हैव। एक दिल की बात शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, इस खाने में लाइक इंडियन खाने में दाल चावल सब्जी मछली चिकन, घर का बना खाने में जो सुकून है गाइस, स्पेशली इस कुजीन को खा के, वो सुकून आपको ट्रस्ट मी पिज़्ज़ा पास्ता मोमो बर्गर खा के नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, मोमो खा के भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मछली खा के तो दे। ओ बंगाली बोले माछ खा के देखा। वी विल ट्राई द माछा बिसारा, लुक एट द फिश, मम्मा बहुत अच्छा फिश मंगवाई हो यार। Look at this fish, कितना फ्रेश है, वेरी गुड वेरी गुड। ओह माय गॉड, स्पाइसी, इट्स मस्टर्डी, और जो मस्टर्ड सीड है, जो सरसों का दाना है ना वो कोर्स ग्राइंड किया हुआ था तो उसके दाने हल्के हल्के आ रहे हैं। द टेस्ट ऑफ फिश इज वेरी गुड, फिश बहुत फ्रेश है। आप कमेंट करके बताओ अभी तक का जो है जितना खाना खाया आपको उसमें से कौन सी डिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और आज तो मैंने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाना एक साथ बनाया है तो कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। इन सब की रेसिपी अगर आपको देखनी है डिटेल रेसिपी तो आप मेरे को फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर मैं सारे रेसिपी पूरी डिटेल में डाल दूंगी स्टेप बाई स्टेप। एंड आई डेफिनेटली वॉन्ट कि आप घर पर ये उड़िया खाना बना के खाओ, आई एम टेलिंग यू, यू विल लव मी and all the people from Odisha tons and tons of time. So I hope you enjoy this video. If you do so, तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ like, share, comment and subscribe for such delicious food related videos and recipes. चलो see you in the next time. Till then happy eatings, bye bye and thank you mummy, thank you so much for this, thank you, I love you a lot for this.